नमस्कार, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मशरूम कबाना की रेसिपी। ये मशरूम्स हैं, मशरूम के बटन्स मैंने लिए। मशरूम कबाना कैसे बनता है, तो मशरूम कबाना का जो नाम है, कबाना मीन्स हट होता है, तो वो हट की शेप में आता है, इसलिए उसको हम कहते हैं मशरूम कबाना। और ये बहुत ही टेस्टी स्नैक्स के रूप में आता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो मशरूम कबाना बनाने के लिए सबसे पहले तो मशरूम के बटन्स को और उसके स्टॉक को हम अलग कर लेंगे। और जब स्टॉक हटाते हैं तो बीच में थोड़ा ग्रूव भी रहना चाहिए, जिससे उसमें स्टफिंग आराम से हो जाएगी। और उसके बाद हमने उसमें उसके लिए बनाया है स्लरी। तो स्लरी के लिए राइस फ्लावर और कॉर्न फ्लावर जो है हम 50-50 ले रहे हैं, और थोड़ा उसमें ओरिगेनो लीव्स फ्लेवर के लिए और चिली फ्लेक्स, और साथ में सॉल्ट टू टेस्ट। और फिर उसमें पानी मिलाते हुए उसका एक अच्छा सा थिक पेस्ट घोल बना लेंगे। तो हमारी ये स्लरी तैयार हो गई है, तो जिसको हम बाद में कोट करने के लिए यूज़ करेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये इस तरह से आएगा। इससे ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एक अलग से लेयर निकलने लगती है। अब इसके ऊपर जो है हम कोट करने के लिए लगा रहे हैं ब्रेड क्रम्स, आप रख सकते हैं, और नहीं तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है चिवड़े का पाउडर, तो ड्राई चिवड़ा लिया है और उसको ग्राइंड कर लिया है बस। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्टफिंग। स्टफिंग के लिए पनीर स्टफ कर रहे हैं, तो उसमें हमने पनीर के साथ जिंजर आनियन फाइनली चॉप करके और हरा धनिया, और पनीर कभी भी लीजिए, उसमें ब्लैक पेपर का फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वो जरूर मिक्स करिए। इसमें चाहें तो आप ओरिगैनो लीव्स इसमें भी मिला सकते हैं, वो भी अच्छा फ्लेवर देगा, चिली फ्लेक्स। और लास्ट में मैंने इसमें चिली गार्लिक का एक पेस्ट मिलाया है, तो वो भी बढ़िया सा फ्लेवर आता है इसका, और सॉल्ट टू टेस्ट। अब ये स्टफिंग को हम स्टफ कर रहे हैं बटन्स के बीच में, और अच्छे से ग्रूव्स में दबा के, और ऊपर से स्टॉक को रख देना है जैसे मैंने दिखाया है। अब स्टॉक में क्या करना है, आपको टूथपिक लेके स्टॉक से लेके और उसको बटन्स तक आनी चाहिए, टूथ को इस तरह से फिक्स करना है। इसी तरह से हम सारे मशरूम्स को तैयार कर लेंगे, और ये शेप हमारा देख सकते हैं आप, कोनिकल ही आना चाहिए हार्ट की शेप में, इसीलिए इसका नाम भी है कबाना, क्योंकि लैटिन से वर्ड है ये कबाना, जिसका मीनिंग आता है हट, और वहीं से लिया भी गया है शब्द। इस तरह से देख सकते हैं हमने सारे मशरूम्स को बना लेना है। तो अगर स्टॉक लगाते समय आपको लग रहा है दिक्कत, तो पहले स्टॉक में टूथपिक लगा लीजिए, और उसके बाद टूथपिक के साथ उसको बटन में फिक्स कर दीजिए। और आप चाहें तो पनीर को स्टॉक के ऊपर से भी, जैसे मैं अभी लगा रही हूँ, इस तरह से प्रेस करते हुए लगा सकते हैं, तो ये पूरा एक कॉनिकल शेप बढ़िया सा आ गया है, और ये निकलता नहीं है बिल्कुल भी। अब इसके ऊपर हमें लगाना है स्लरी, इस तरह से चारों तरफ से, और ऊपर से हम स्प्रिंकल कर दे रहे हैं जो हमने चिवड़े का पाउडर बनाया था। और ये सारे कबानाज आप बना के चाहे तो थोड़ी देर उसको रेफ्रिजरेटर में रख लीजिए, तो थोड़ा सा इंटैक्ट अच्छे से हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं। तो अब इसको हम डीप फ्राई कर रहे हैं, और डीप फ्राई करते समय पहले थोड़ी देर इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो लेयर निकल सकती, तो थोड़ा जब एक साइड से हल्का सा कुक हो जाए तब इसको धीरे से डेलिकेटली आप इसको पलट दीजिए। अब ये हमारे मशरूम कबानास तैयार हो गए हैं, और बहुत ही बढ़िया टेस्टी तैयार हुए हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर एकदम सॉफ्ट बने हैं, और ये मैंने इसको आप कट करके भी एक दिखाया है, और इसको आप लोग जरूर ट्राई करिए। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी स्नैक्स हमारे तैयार हुए हैं,
और अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।